केंद्रीय कार्यालय में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि यहां के जल जंगल जमीन को कॉरपोरेट के हवाले कर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का एक नया कानून लाया जा रहा है, जिससे राज्य के लगभग सभी लोग भयभीत हैं। आज राज्य में 14,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। छठ के शुभ अवसर पर मुंबई से कलाकारों को बुलाकर फिल्मी गाने पर बीजेपी के नेता झूम रहे हैं। बीजेपी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है, इसका हिसाब जनता इस चुनाव में लेगी। वहीं जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, 6 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक में यहां पर गठबंधन का जो भी स्वरूप होगा उस पर मुहर लग जाएगी, प्रस्ताव पास हो जाएगा। आने वाले चुनाव में बुनियादी मुद्दों को लेकर चुनाव में पार्टी उतरने वाली है। वहीं उन्होंने जेवीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर कहा है कि बाबूलाल एक परिपक्व नेता रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि अभी भी बाबूलाल जैसे सभी पार्टियां त्याग कर रही हैं वैसे ही कुछ संगठन त्याग करें और गठबंधन में हिस्सेदारी निभाएं। हम लोग चाहते हैं अभी भी कि बाबूलाल जी जैसे सभी लोग त्याग कर रहे हैं कुछ सांगठनिक त्याग कर इस गठबंधन का हिस्सा बने रहे, अन्यथा क्योंकि हम लोगों के तरफ से बार बार प्रयास हुआ है, हेमंत जी ने पिछले 5 दिनों में 2 बार लगातार बाबूलाल जी से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन संभव नहीं हो पाया। हम लोगों ने कांग्रेस से यह कहा है कि आप भी प्रयास करें, हमको लगता है कोई ना कोई बहुत जल्द हम लोग एक निर्णय पे आ जाएंगे। हरियाणा में उनके पास बहुमत है, महाराष्ट्र का नारा था 200 पार, आधा पे आ गए। हरियाणा का नारा था 70 पार, वहां भी आधा में आ गया। यहां तो नारा ही बड़ा कम लगाए हैं 65 पार, तो हमको लगता है अब की बार पूरा भाजपा झारखंड से पार। तो 65 पार मतलब कम से कम 66 सीट तो लड़ेगी, क्योंकि तभी तो 65 पार करेगी यदि सभी सीटें जीत गए तो। दूसरा एक घटक दल है उनका, वो 35 पार है, तो मतलब वो भी 36 लड़ेंगे। उनका एक तीसरा घटक दल भी है यहाँ पर, वो भी कह रहे हैं कि 15 पार, LGP। तो 15 पार मतलब 16 वो भी लड़ेंगे। अब इतनी सीटें आए का वैसे कलाकार को लाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें भक्ति की बात की ही नहीं गई, लेकिन जो पोस्टर था उस पोस्टर को देख लेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि छठ के महापर्व के अवसर पर ऐसा कौन सा धर्म रक्षक या धर्म को मानने वाला है जो पूजा के दिन में भी जो लोकप्रिय जिसमें लोग नाच गा सकते हैं वैसे आधुनिक गानों पर सरेआम ठुमके लगाए जा रहे थे और उसके और कोई नहीं मुख जो प्रधान संरक्षक है वो सबसे प्रधान साक्षी बनकर बैठे हुए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंदन वर्मा जुड़ गए हैं, रांची से संवाददाता हैं। चंदन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीजेपी पर निशाना साधा गया है लेकिन एक आरोप भी लगाया गया है कि फॉरेस्ट एक्ट लाया जा रहा है जिसके तहत स्कूलों को और साथ ही साथ जंगल जमीन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, कितना दम है इन वादों में? जी आदर्श, देखिए
इन दावों में तो दम है, क्योंकि विपक्ष जो है, खासकर जेएमएम जो है, सरकार पर लगातार इसी बात से आरोप लगाता है और इसी बात से सरकार को घेरने की कोशिश की है कि जो बुनियादी जो जरूरतें हैं झारखंड की और यहाँ के जल जंगल जमीन की, जो यहाँ के आदिवासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरुआत से ही लड़ाई लड़ी है, उसको, उस लड़ाई को और उस जरूरत को बीजेपी की जो सरकार है वो दरकिनार करते हुए यहाँ के जल और जंगल जमीन को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ के आदिवासियों की हित की सोच रही है, उनके हित के काम नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने शराब एक्ट पर ये कहा कि अब जो है सरकारी स्कूलें 1400 सरकारी मायने रखते हैं, 14,000 जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद कराई जा रही हैं और उनके जगह पे शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। ऐसा एक कैबिनेट में भी प्रावधान आया था कि अब जो है जो आम जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, वो भी शराब के लाइसेंस चाहेंगे कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये नए कॉरपोरेट को जो ये जमीन देने की बात की जा रही है, ये क्या चुनाव के तहत है या फिर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर सरकार वाकई कोई ऐसा नया कानून लाने जा रही है जिससे वहां की जमीन जंगल पर फर्क पड़ने वाला है? जी देखिए, सीएनटी एक्ट में पहले ही संशोधन किया जा चुका है और इसके लिए सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि बड़े से बड़े उद्योगपतियों के यहाँ झारखंड की ओर रुख करना और यहाँ पर बड़े से बड़े व्यवसायी और फैक्ट्रियों का निर्माण करवाना ताकि यहाँ के जो बेरोजगार युवा और युवती हैं उनको रोजगार दिलाया जा सके। तो इसमें कहीं ना कहीं सीएनटी एक्ट में संशोधन कर इसीलिए संशोधन किया गया था कि जो जमीन बेकार के पड़े हुए हैं या जो खाली लैंड है उसे यूज किया जा सके और शायद इसीलिए जो है सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही एक मोमेंटम झारखंड कराई थी जिसमें से कई हजार जो व्यवसायी हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। जी आदर जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए चंदन वर्मा आपका शुक्रिया। और जिस तरीके से फैसला लिया गया है उसको लेकर निशाना साधा गया है विपक्ष की तरफ से।